हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट नेक्सजिन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्टॉन डेटा एंट्री का अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी बी टी का था, तो बहुत ही अच्छे चैनल पर आए हैं और मैं आप लोग को बताना देना चाहता हूँ स्टूडेंट आज मैं आप लोग को नाइन्टी क्लास लेने वाला हूँ मतलब नाइन्टी पार्ट का लेने वाला हूँ स्टूडेंट तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट यहाँ पे इस चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट अब तक मिलते रहेगा खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही होगा साहिल पर तो जीत पर अड़ तो सही मतलब आपको सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको जिद पे अड़ना होगा कि नहीं इस बार हमको करना है तो करना है ठीक है ना तो रुकावट तो होगा ही लेकिन लड़ना आपको सीखना होगा और लड़ने के बाद आपको अगर आपको क्या करता है अड़ना सीखना होगा जिद पे अगर आप अड़ गए तो फिर सक्सेस तो आपको मिल जाएगा तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ये बिहार बेल्टन का ये आपका एग्जाम चैलेंज बैच है और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है ठीक है ना जब तक एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक ये मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है ना एग्जाम पास करने जाएंगे हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कितना में टोटल कितना क्वेश्चन आपने सही सही स्टूडेंट आपने किया है तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर उसके लिए करना क्या होगा मेहनत 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 सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मेहनत करना स्टूडेंट और है ना उसके बाद आपको सफलता मिलेगा और सफलता 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 मिलेगा तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वे स्टूडेंट यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल का एक चीज आपको हम ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है एक मिनट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है है ना तो एक्सेल वर्ड और कंप्यूटर फंडामेंटल ये तीन से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है एम एस वर्ड ठीक है और एक्सेल और क्या रहेगा एक कंप्यूटर फंडामेंटल इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट ठीक है इंटरनेट से भी रहेगा ठीक है ना और आपका है ना नेटवर्किंग से कम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा तो आपको ध्यान देना है चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्सेल से रहेगा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट यहाँ पे एम एस एक्सएल टू सिक्सटीन की वर्कशीट में सेल ए वन में दी फिल्म वाज है ना ग्रेट लिखा है क्या बोला कि ए वन में क्या लिखा हुआ दी फिल्म वाज ग्रेट ठीक है ना तो यहाँ पे बोला है बी वन में ये नाम का सूत्र लगा लगा है इसका आउटपुट क्या होगा बताइए स्टूडेंट तो ये प्रॉपर क्या एक फंक्शन का नाम है प्रॉपर फंक्शन के मदद से होता क्या है प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है जैसे दी में ऐसे होगा यहाँ पे इसका आउटपुट आने वाला टी एच ई दी फिर यहाँ पे फिल्म में फिर एफ आ जाएगा बड़ा और आ, सब लेटर छोटा फिर वाज में W बड़ा होगा फिर सारा छोटा प्रॉपर ग्रेट में जी बड़ा होगा सब छोटा आएगा मतलब आपका जो आंसर आने वाला है ये वाला है यहाँ पे। कौन सा द फिल्म वाज ग्रेट ये फर्स्ट वाला मतलब इसमें देखो यहाँ पे एक प्रॉपर केस होता है प्रॉपर केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है जैसे दी में टी बड़ा हो जाएगा फिल्म में एफ बड़ा हो जाएगा वाज में डब्ल्यू बड़ा होगा और ग्रेट में भी इसी तरीके से अगर अपर रहता तो अपर से सारा लेटर कैपिटल हो जाता है अपर अगर यहाँ पे रहता तो फिर इसका आंसर ये होता फिलहाल अभी ये आंसर होगा वन नंबर अपर केस से सारा लेटर बड़ा हो जाता है लोअर से क्या होता है सारा लेटर स्मॉल हो जाता है और प्रॉपर से क्या होता है प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना बड़ा होता है क्लियर है स्टूडेंट यहां तो इसका सही आंसर यह होगा इसमें देखो यह पूछा है प्रॉपर पूछ सकता है अपर भी पूछ सकता है लोअर भी पूछ सकता है स्टूडेंट तो आपको ध्यान देना है चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहां पे आगे बनाना क्वेश्चन जवाब दीजिएगा चलिए <स्टुण> बोला यहां पर इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे क्या बोला यहाँ पे इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है बताइए स्टूडेंट इसमें क्या होगा सही आंसर वहाँ पे स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा इसका जवाब दीजिए बोल रहा है क्या वर्ड शॉर्टकट की विल यू यूज टू डिस्प्ले द इंसर्ट पॉपऑफ है ना बाई विच कैन रो एंड कॉलम बी एडिड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो देखो यार स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिप प्लस के साथ यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं ये शॉर्टकट की ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सीप प्लस ये वाला प्लस बात समझ में आ रहा है अपना क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे काफी आसान क्वेश्चन था ये एम एस एक्सएल टू थाउजेंड सिक्सटीन में फ्रीज पेन फ्रिज फेस क्रॉप डाउन सूची में कितने डिफॉल्ट विकल्प होते हैं बताइए क्या बोला है फ्रिज पेन पेन होगा पेंस होगा है ना यहाँ पे फ्रिज पेंस फ्रिज पेंस पे फ्रिज पेंस पेंस लिखो ना, ना क्रॉप ड्रॉप ड्रॉप डाउन सूची में कितने है ना विकल्प होते हैं जैसे फ्रिज पेन जो ऑप्शन खोलते हैं जैसे हम दिखाते हैं आप लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ही खोलते हैं स्टूडेंट यहां पे इसमें क्लिक कर देते हैं अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्लिक कर दिए और एम एस एक्सेल में क्या है कि जब आप जाते हैं कि यहाँ समझिएगा व्यू में जाते हैं और अब फ्रीज ऑफ पेन में जाते हैं तो कितना डायलॉग बॉक्स खुलता है पहला खुलता है फ्रीज पेन का पेंज का उसके बाद फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट रो तो ये पहला ऑप्शन खुला ये दूसरा खुला और ये तीसरा खुला तो वही बोल रहा है कितना ऑप्शन यहाँ पे खुलता है स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या है टोटल आपका कितना खुलता है यहाँ पे तीन ऑप्शन खुलता है फ्रिज पेन में जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन खुलता है इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पे नेटवर्क डिवाइसों को है ना इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या बोल रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू इंटर है ना इंटर कनेक्टेड नेटवर्क डिवाइस ओवर द नेटवर्क मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे टी सी पी और आई पी टी सी पी का काम क्या होता है पैकेट में तोड़ना और आई पी का, का काम क्या होता है फिर भेजना स्टूडेंट है ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट वाला चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से हम आप लोग को इसको कवर किए स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरनेट वाला चैप्टर में आपको हर चीज को डिटेल से कवर किया गया स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है है ना चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट इस साइनल पे आपको लगभग पार्ट वन से लेकर ध्यान दीजिएगा पार्ट वन से लेकर पार्ट है ना 95 तक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ स्टूडेंट है ना उसको आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा एग्ज़ाम आपका 100 परसेंट निकल जाएगा क्योंकि उतना सारा क्वेश्चंस को कवर करने का मतलब क्या होता है कि आपका सारा डाउट लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा ठीक है ना और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जब अगर टाइम मिलता है तो जरूर जाके देखिएगा स्टूडेंट है, है ना और आपको सी आपको पास करवा देगा स्टूडेंट चलिए अब आगे बढ़ते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन ठीक है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है बताइए क्या बोला कि एम एस एक्सएल टू थाउजेंड सिक्सटीन में होम टैब के सेल्स ग्रुप में है ना निम्नलिखित में से कौन सा तो सेल्स ग्रुप में होम टैब के कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता तो देखो फॉर्मेट डिलीट और इंसर्ट और शॉर्ट फिल्टर तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट में सेल्स ग्रुप में जाले जाते हैं तो इंसर्ट अवेलेबल होता है डिलीट होता है और फॉर्मेट होता है इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है शॉर्ट एंड फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर जो होता है वो किस ग्रुप में अवेलेबल होता है स्टूडेंट यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में किस में होता है एडिटिंग ग्रुप में देखिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते देखिए आप <coughs> ये देखिए सेल्स ग्रुप में क्या क्या अवेलेबल है इंसर्ट है डिलीट है फॉर्मेट है लेकिन ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर ये जो दिख रहा है आपको ये कौन सा ग्रुप में है स्टूडेंट तो ये एडिटिंग ग्रुप में तो उससे पूछा कौन सा सेल में ग्रुप में सेल्स ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं है तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन नहीं है ये किस ग्रुप में है ये देखो इसका सही आंसर क्या होगा पहला वाला आपका ये सही आंसर होगा क्या बोला कि होम टैब के सेल्स ग्रुप में कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं है सेल्स ग्रुप में ये तीन ऑप्शन मौजूद है और ये वाला ऑप्शन नहीं मौजूद है चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या बोला यहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प डैश टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है क्या बोला है यहां कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब के अंतर्गत होता है बताइएगा जवाब दीजिएगा नीचे हम दिखा रहे हैं आपको व्यू टैब रिव्यू टैब रिव रिफ्रेंस टैब डिजाइन टैब तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर कौन सा टैब में मिलेगा रिव्यू टैब ये देखिए आप ये रिव्यू टैब खुला हुआ है और रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन है देखिए बस समझ में आ रहा ना तो रिव्यू टैब में क्या हो गया स्टूडेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर क्या बोला है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं ठीक है बोला है यहाँ पे स्टूडेंट कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर है ना निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट डिवाइसे सीधे जुड़े होते हैं तो यहाँ पे बोला है डिवाइस कंट्रोलर दूसरा लिखा हुआ लाइन कार्ड तीसरा होता है यूएसबी पोर्ट और चौथा क्या होता है पी सी बसेस तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है ना डिवाइसेस कंट्रोलर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइसेस कंट्रोलर ये हो जाएगा आपका डिवाइसेस कंट्रोलर से आपको जुड़ा हुआ यहाँ पे रहता है है ना इनपुट आउटपुट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इन साइड द कंप्यूटर सिस्टम तो कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो किससे जुड़ा होता है डिवाइस कंट्रोलर से ठीक है यूनिट रिक्वायर्ड टू आउटपुट आर द डिवाइसिस कनेक्टेड डायरेक्टली तो किससे कनेक्टेड होता है डिवाइस कंट्रोलर के मदद मतलब से चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस कौन सा है तो ये तो बच्चा आउटपुट डिवाइस आ जाएगा यहाँ पे स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर भी क्या है प्रिंट आउट करने के लिए ये भी क्या है आउटपुट डिवाइस है आउटपुट ये भी आउटपुट है लेकिन यहाँ पे ये जो बार कोड रीडर होता है आप मॉल वगैरह में गए होंगे या कहीं कपड़ा वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें बार कोड रहता है तो बार कोड जो रीडर होता है वो कौन सा डिवाइस हो जाता है इनपुट डिवाइस होता है क्या हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे इनपुट डिवाइस तो इसमें से बोल रहा है कौन इनपुट डिवाइस है तो ये सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल टू थाउजेंड सिक्सटीन वर्कशीट में डेढ़ सौ छात्रों के प्राप्तांक है ना कॉलम ए पंक्ति एक से एक सौ पचास तक के दर्ज किए गए हैं क्या बोला है कि एम एस एक्सएल टू थाउजेंड सिक्सटीन में डेढ़ सौ छात्रों के प्राप्तांक कॉलम है ना पंक्ति मतलब रो वन से लेकर डेढ़ सौ तक अपने दर्ज किए गए हैं सबसे ज़्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को खोजने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा अगर हमको हाईएस्ट मार्क्स वाला निकालना होगा तो सिंपल सिर्फ अंडरस्टैंड यहाँ पे है ना किस फॉर्म का यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे मैक्स फार्मूला मैक्स फार्मूला से देखो बेस्ट कोई फार्मूला नहीं होता है हाइएस्ट भी कोई फार्मूला नहीं है मैक्स है होता है ठीक है मैक्स फार्मूला के मदद से आप आपको क्या कर सकते हैं सबसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे लिखा वर्ट फार्मूला यूज है ना यू यूज टू फाइंड द स्टूडेंट द हाइस्ट स्कोर हाइएस्ट स्कोर को फाइंड करना होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है मैक्स फार्मूला है अच्छा मैक्स फार्मूला के अलावा अगर बोला जाए मैक्स फार्मूला होगा इसका सही आंसर अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगर हम मैक्स फार्मूला यूज नहीं करते हैं तो क्या दूसरा कोई फार्मूला हो सकता है चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा ठीक है ना क्या दूसरा फार्मूला कौन सा होगा फंक्शन जो लगा सकते हैं चलिए ऐसे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ठीक है ना लेकिन कभी कभी होता है ना चेंजेज हो जाता है चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को असुरक्षित क्या बोल रहा है असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए बताइए देखो पे क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड बी फॉलोड द मेक वर्कशीट 2016 क्या बोला यहाँ पे कि वर्कशीट को असुरक्षित असुरक्षित मतलब अनप्रोटेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना है जैसे मान लो उसको प्रोटेक्टेड है पहले से प्रोटेक्टेड है ठीक है पी आर ओ टी सी टी प्रोटेक्टेड है तो इसको अनप्रोटेक्ट बनाना है तभी तो असुरक्षित होगा तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा चीज़ करेंगे ये आपको ऑप्शन जो है ना रिव्यू टैब में जाना है उसके बाद रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हो चेंज नहीं रिव्यू टैब में हाँ रिव्यू टैब में जाना है फिर चेंज वाले ऑप्शन में जाना है फिर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट में जाना है चलते है, देखते है एक बार देखते हैं यहाँ पे कि कहाँ मिलता है स्टूडेंट रिव्यू टैब में गए और पहले से मान लो कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं आप वन टू थ्री प्रोटेक्ट कर ना no, no, no. हाँ, ना प्रोटेक्ट कर दिए ओके okay कर देते हैं और वन टू थ्री है अब यहाँ पे रिव्यू टाइम में जाएंगे यहाँ पे और हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको चेंज कर देंगे अब क्लिक कर अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो अनप्रोटेक्ट जैसे ही कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर रिव्यू टाइम में चेंज क्या करना अनप्रोटेक्ट कर देना ठीक है यहाँ पर क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर चलिए तो इसका सही आंसर यही होगा चेंज ऑप्शन नहीं है तो वो चेंज करने की बात कर रहे हैं आप ठीक है रिव्यू टाइप में है ना अनप्रोटेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट तो इसका सही आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा एलेवन नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है मैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को किसी भिन्न फोल्डर को फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है प्रतिलिपि मतलब कॉपी है ना या किसी भी नाम से प्रतिलिपि बनाता है क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ द यूजर टू कॉपी अ फाइल टू द डिफरेंट फोल्डर कॉपी इट टू डिफरेंट नेम तो देखो डिफरेंट फोल्डर या डिफरेंट नेम से सेव से करना होता है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है सेव है शॉर्टकट की क्या होता है एफ ट्वेल्व होता है और ये फाइल मेनू में रहता है या नहीं तो पुराने वर्जन में ऑफिस बटन में भी रहता है ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे तो इसका काम क्या होता है सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन मतलब एक तरह से कॉपी बना देता है वो भी फाइल रहेगा और दूसरा भी फाइल सेव हो जाएगा नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट यहाँ पे बारह नंबर क्वेश्चन है चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश नोट्स या पत्र भेजने की एक है ना पेपरलेस विधि हो सकता है मतलब विदाउट पेपर की तो यहाँ पे कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पे तो पेपरलेस विधि मतलब पेपर नहीं तो देखो भेजने की बात है तो फॉर्मूला तो कोई ऐसा है नहीं है ना ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ईमेल होगा ईमेल के मदद से एक लोगों को भी भेज सकते हैं और एक से ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं फार्मूला तो एक्सेल में यूज किया, किया जाता है या अदर सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है एंटीवायरस तो पता है ना वायरस को क्लीन करने के लिए यूज होता है स्टूडेंट मालवेयर ये क्या है ये उससे रिलेट करता हुआ तो है ही नहीं ठीक है ना मालवेयर भी एक प्रकार का वायरस ही होता है स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला ईमेल नेक्स्ट ऑप्शन एम एस पावर पॉइंट क्या लिखा हुआ एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना असत्य गलत है असत्य है बताइए स्टूडेंट आप विच आर द फॉलोइंग फॉल्स विद रेफरेंस टू स्लाइड सॉर्टर व्यू इन एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सिक्सटीन तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन क्या फॉल्स है स्टूडेंट है ना किसके बारे में स्लाइड सॉर्टर? तो सबसे पहले समझते हैं स्लाइड सॉर्टर क्या होता है हम पावर पॉइंट को खोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लीज मेरे नए व्यूवर हैं तो आप इस मॉक टेस्ट को आप लीजिए ठीक है ना मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है साथ ही मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है और आप एग्ज़ाम में पास होने लायक बने हैं या नहीं बने हैं कल से अरे स्टूडेंट और भी इसमें डलाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इसमें क्या क्या मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन मिल जाएगा यूट्यूब पर जितना भी हम कंटेंट पढ़ाते हैं इसके अंदर मिल जाएगा स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग विद वर्ड दिक्कत आता है उसको मिल जाएगा कि कैसे लेटर हाथ रखना या कुछ भी और जो वर्ड में प्रॉब्लम होता है जैसे हलन सिर्फ जो वर्ड नहीं बना पाते हैं साथ ही साथ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का आपको पी भी मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिलेगा स्टूडेंट क्या करना है प्ले स्टोर पर जाना है नेक्जी कंप्यूटर लिखना है और आपको इस तरीके से बैनर दिखेगा और नाउ करना है इसका प्राइस फोर्टी एट रुपीज़ है जरूर आप करिएगा बहुत ही मिनिमम प्राइस रखे हैं स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है और इसके अंदर ये सारा चीज़ें मिल जाएगा और भी इसके अलावा बहुत सारा कुछ मिलेगा स्टूडेंट है ना इसमें थर्टी प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे और और सभी जैसे बच्चे मॉक टेस्ट जरूर दें स्टूडेंट यहां पे ठीक है थर्टी प्लस मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम जैसा कि एग्जाम में रहता है रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट स्टूडेंट रैंक वगैरह भी आपको शो होगा इसमें ग्राफ वगैरह की आपको इसमें ये एनालाइज कर सकते हैं कितना हम सही कर पा रहे हैं कितना गलत कर पा रहे हैं सारा कुछ बताएगा और सॉफ्टवेयर में ही बताएगा स्टूडेंट आप कभी भी टेस्ट एक बार परचेज कर लीजिए आप कभी भी कभी भी कोई भी टाइम फ्री ऑफ है उस टाइमिंग आप दे सकते हैं जैसे क्लिक करिएगा स्टार्ट पे तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और 60 मिनट तक का टेस्ट रहेगा स्टूडेंट 100 परसेंट वैल्यूएल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेगा स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो भी पीडीएफ मिल जाएगा मेरा बनाया हुआ ई बुक भी मिल जाएगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को जो हिंदी में इजी तरीके से नोट्स है वो भी मिल जाएगा और यहाँ पे रेमिंगटन गिल का हिंदी पीडीएफ भी मिल जाएगा तो इसमें सारा कुछ एक ही में मिल जाएगा स्टूडेंट अब यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे और बोला क्या गया यहाँ पे समझिएगा कि स्लाइड सॉर्टर क्या होता है तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे पावर पॉइंट में अभी गए थे इसको हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर ध्यान दीजिएगा ये देखिए दिख रहा आपको यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर जब हम इस पर क्लिक करते हैं स्लाइड शॉटर में तो इस तरीके से दिखाएगा मतलब ये क्या होगा एक थम्बलेंस मोड में आपको दिखाने लगा ये कौन सा मेन्यू में रहेगा व्यू में और कौन सा ग्रुप में रहेगा प्रजेंटेशन व्यू में रहेगा अब यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या बताना चाह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ये यह देखिए लिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें क्या है फॉल्स है स्टूडेंट इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है स्लाइड शॉर्टर व्यू में प्रत्येक स्लाइड की एक छोटी इमेज प्रदर्शित की जाती है सही बोल रहा है ठीक है ना दूसरा बोल रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होगा रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन वैसा करने की जरूरत नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ तो पे टू एक्सेस द स्लाइड शॉटर व्यू यू नीड टू सेलेक्ट द रिव्यू स्लाइड sorter. तो रिव्यू स्लाइड sorter कुछ ऐसा होता ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत है मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट ठीक है क्लियर समझ में आ गया अगर आपको मिल चुका आंसर तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है क्या बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं इट डू आवर वर्क दैट इज कॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग कोई काम करते हैं ना उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं तो देखो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा डीप बगर जो है ना एक सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है स्टूडेंट पर ठीक है ना डिबग मतलब बग को खोजना गड़बड़ी को खोजना वो डिबग कहलाता है असेंबलर क्या है असेंबलर एक प्रकार का लैंग्वेज होता है एक ट्रांसलेटर होता है असेंबली को मशीन भाषा में बदलता है कंपाइलर भी होता है एक ट्रांसलेटर होता है स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे डेटा बेस क्या है एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करता है क्या स्टोर करता है डेटा को स्टोर करता है डेटा स्टोर करने के काम में डेटाबेस सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है स्टूडेंट जैसे में डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो सकता है एम एस एक्सेस हो सकता है एम एस ए डबल सी ई डबल एस हो सकता है माई एसक्ल हो सकता है स्टूडेंट मोंगो डीबी हो सकता है ये कई प्रकार का ही है आपका सॉल्थ मोंगो डीबी तो एक तरह का अप्लीके लैंग्वेज हो गया तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है डेटा बेस स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे विंडोज़ एक्स पी में कंट्रोल पैनल के अंदर क्या बोला विंडोज़ एक्स पी में कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर, पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं क्या बोला कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं किसी मौजूदा यूजर की सेटिंग को परिवर्तित कर सकते हैं और उसका सेटिंग भी परिवर्तन कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा यहाँ पे यूजर अकाउंट हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा यूजर अकाउंट ये पता है ये विंडो एक्सपी में भी देता है सेवन में भी देता है टेन में भी देता है हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले हम विंडो आर करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखेंगे विंडो आर से क्या खुलेगा रन कमांड खुलेगा और रन कमांड का यूज होता है कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए डायरेक्टली खोलने के लिए उसके बाद ओके okay करते हैं स्टूडेंट यहां पे, और जैसे ही आप ओके okay करते हैं तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूजर अकाउंट आई होप समझ पा रहे होंगे ये क्या है यूजर अकाउंट इसके मदद से आप यूजर अकाउंट बना सकते हैं अगर यूजर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो चीजें देता है दो टाइप का यूजर अकाउंट बना सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और दूसरा क्या होता है स्टैंडर्ड होता है ठीक है ना तो आपको यहां तक पूछेगा किसका क्या काम है उतना नहीं पूछेगा फिलहाल अब इतना समझ जाइए कि यूजर अकाउंट कहाँ से बना सकते हैं कंट्रोल पैनल के हेल्प से और उसका सेटिंग भी चेंज करना होगा तो इसी के अंदर जाने के बाद आपको कर सकते हैं जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पर लिखा हुआ एड बात समझ में आ रहा ना इसमें अकाउंट का टाइप चेंज 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 करते हैं 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 कर कर सब कुछ चेंज कर सकते स्टूडेंट स्टूडेंट पे पे चलिए अब आगे बढ़ते तो इसका सही आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा नेक्स्ट है पे निम्नलिखित वेरी, वेरी वेरी कमेंट सेक्शन में पहले स्टूडेंट लिखा, लिखा क्या वाट विल द वी द आउटपुट फॉलोइंग फार्मूला इसका जो आउटपुट क्या होगा यहाँ पे इसका आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ठीक है ना ये देखो पे। इसका जो आउटपुट है यहाँ पे आ, आपको बता दे दे रहे हैं कौन सा आएगा द हाँ ये जो आउटपुट है इसका आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जैसा है वैसा ही आपको निकल जाएगा ये वाला सेकेंड नंबर आ जाएगा सर ये है क्या ये कैसे काम कर रहा है इसका यूज बताइए ये देखो अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे ना तो ये चेंजिंग हो जाएगा बात समझ में आ रहा ना ये देखो ट्रिम ट्रिमर सेविंग हम करवा लिए देख रहे हैं तो ये आपका जो ट्रिमर का काम करता है ट्रिमिंग ये क्या करता है सबसे पहले समझिएगा हम आपको पहले एक्सेल में आपको लिखते हैं द फिल्म वाज ग्रेट क्योंकि इसमें आपको फंसा सकता है यहाँ पे लिखते हैं ये देखिए थोड़ा सा हम जम बड़ा करते हैं द एफ आई एल फिल्म वाज वाज ग्रेट देखो अगर हम इक्वल टू करते हैं और यहां पे क्या करते हैं एक अच्छा ये है ना यहां पे ट्रिम यूज करते हैं स्टूडेंट यहां पे। टी आर आई एम ट्रिम देखिए यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दी अब इसमें आप क्लिक कर दो अब इसको यहाँ पे क्लिक करने का मतलब क्या है वो लिख दी यहाँ पे एंटर कर दो ये देखो कोई परिवर्तन नहीं आएगा परिवर्तन कब आएगा परिवर्तन कब आएगा जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इस पर मान लो कि वाज के बाद चार गो स्पेज देते एक दो तीन और एक पहले था चार लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला उतना ही अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा समझिए इसके पहले हम स्पेज दे देते हैं फिर भी क्या मिलेगा उसे ये करता क्या समझिएगा यहाँ पे ठीक है ना और यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे मतलब यहाँ पे और बात ज़्यादा कर दी देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है इसको समझाते हैं पहले पहले हम आपको हम समझाने से पहले कंप्यूटर से समझवाते हैं क्या लिखा पहले पढ़िए यहाँ आप पे आपको अगर दिखाई दे रहा हुआ जरूर पढ़िए क्या लिखा हुआ रिमूव ऑल स्पेस सारा स्पेस रिमूव ऑल स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग है ना मतलब बीच का या ज़्यादा का पहले का सभी स्पेस को ये क्या करता है रिमूव कर देता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब के छोड़कर के छोड़कर के छोड़कर एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड मतलब अगर यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि बाद में स्पेस है पहले स्पेस है तो सारा स्पेस रिमूव कर देगा बीच वाला स्पेस को भी रिमूव करेगा लेकिन उसमें से बीच वाला स्पेस में सिंगल स्पेस आपको रहने देगा तो इसीलिए तो यहाँ पे एक स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लिया है पे ज्यादा स्पेस है एक स्पेस में कन्वर्ट किया ज्यादा स्पेस है और पहले वाला स्पेस को पूरा रिमूव कर दिया स्टूडेंट तो ये ट्रिम वन ये आएगा ही आएगा ठीक है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसका सही आंसर सेकेंड नंबर होगा नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट जवाब दीजिएगा यहाँ पे ठीक है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैरेक्ट विद द रिफरेंस है ना टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं उसमें यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है इट मैनेज द ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम तो बताया रहा है कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा कथन सही है स्टूडेंट यहाँ पे बताइएगा लिखा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर को संचालन करने के लिए किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ऑपरेटिंग ऑपरेशन ऑफ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हाँ कंप्यूटर हार्डवेयर को एक तरह से मैनेज करता है किस किस हार्डवेयर को जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को जो मैनेज करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा हम समझाते हैं एग्जाम्पल की मदद से अगर मान लो ऐसे पास तुम्हारे तो पास एक कंप्यूटर तो है लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बताइए तो क्या हुआ वो डब्बा हो गया जैसे एक इंसान है उसमें आत्मा ही नहीं है तो क्या है डब मतलब ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपको एक डब्बा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जितना भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और हार्डवेयर तक को मैनेज करने का काम करता है कौन ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या बोला है यहाँ पे कौन सा लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज की आवश्यकताओं के कि अनुसार इंस्टॉल किया जाता है ठीक है आमतौर पे यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरनेट इंटरकनेक्ट करता है ठीक है ना तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा कथन सही है तो ये पहला वाला ही कथन सही होगा बाकी सारा ऑप्शन क्या है रॉन्ग है स्टूडेंट यहाँ पे चलिए तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है ठीक है चलिए हार्डवेयर को मैनेज करता है नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नीम में से किस टैब में सेप फीचर मिल जाता है तो सेब का अगर सेप बनाते हैं तो उसका किस पी किस में मिल जाएगा फ़ीचर उसने जैसे देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं यहाँ पे कोई भी और इंसर्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एलिस्ट्रेशन ग्रुप में सेब का आपको फ़ीचर्स मिल जाता है अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा आप लोग को हम ये बताए भी थे कि आपको ये याद रखना है क्या क्या याद रखना है स्टूडेंट यहाँ पे कि रिसेंट लाइन आता है रेक्टेंगल आता है बेसिक शेप आता है इक्वेशन आता है फ्लो चार्ट आता है उसका स्टार एंड बैनर आता है कॉल आउट्स आता है ये सब क्या है शेप का टाइप है ये कौन सा मेन्यू मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के है ना इलिस्टेश ग्रुप में और यहाँ पे शेप के अंदर मिलेगा तो यहाँ पे बता रहा है तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा इंसर्ट मेन्यू चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या है नाइनटीन नंबर यहाँ पे नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या बोला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या बोला है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अत्यधिक अधिकतम कितने आइटम कट कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड पर प्लेस किया जा सकता है क्या बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड पे प्लेस किया जा सकता है कितने आइटम हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करके कम से कम आप यहाँ पे कि आप कितने आइटम अधिकतम कर सकते हैं तो ट्वेंटी फोर आइटम कितने कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ट्वेंटी फोर आइटम को कर सकते हैं देखो होता क्या है ना कि जैसे यहां पे माइक्रोसॉफ्ट है ना वर्ड खोलो देखो आप हम समझाते हैं इसमें क्या है ना कोई भी चीज अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और कर, आ, कट करते हैं तो यहाँ पे तो यहां पे एक ऑप्शन देते हैं यहाँ पे ड में यहाँ पे आपको ये चीजें रहता है तो कितना ऑप्शन रह सकता है पता है ट्वेंटी फोर ऑप्शन रह सकता है स्टूडेंट ठीक है चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट आप नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सल देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही है स्टूडेंट यहाँ है ना तो क्या बोला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश में फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं, नहीं होते है क्या बोला है फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते तो इसका क्या सही आंसर होगा ठीक है जवाब दीजिएगा ठीक है तो जवाब दीजिए फॉर्मेटिंग टूल आर नॉट अवेलेबल इन डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट जवाब दीजिए यहां पर फॉर्मेटिंग लिखा हो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है जब माउस रेंज या सेल देखो ये मेलिंग टैब के भीतर तो नहीं होता है इसका सही आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट ठीक है होम टैब के भीतर भी फॉर्मेट होता है स्टूडेंट है ना जब माउस रेंज या सेल पर राइट right क्लिक करते हैं तभी फॉर्मेट आता है नहीं देखते हैं कि अगर हम माइक क्लिक करते हैं राइट क्लिक करते हैं तब भी यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन आता है स्टूडेंट एक्शन hmm, बोला है ना ये देखिए राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल आता है फिर होम टैब में जाइएगा तब तो भी यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल देखने को मिलेगा कहाँ पे लेगा आप है फॉर्मेट सेल ये देखो होम टैब में देखिए आप पे देख रहा आपको है ना ये राइट क्लिक करके भी आता है और होम मेनू में फॉर्मेट के अंदर भी फॉर्मेट सेल आता है ठीक है उसके बाद लिखा इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स और सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर भी फॉर्मेट आधा है स्टूडेंट देखो आप आप चले जाओ एक्सेल में चले जाओ और सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आपको फॉर्मेट सेल आपको आएगा फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल दिए जाए चलिए तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये कि मेलिंग टैब के भीतर फॉर्मेट सेल नहीं आता है क्लियर है क्लिक करके आता है होम टैब के भीतर भी आता है चलिए ठीक है सही बात है नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है सक्रिय मतलब लाने के लिए किस शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ आप वन कर सकते हैं कंट्रोल वन करते हैं तो आपको क्या खुल जाएगा फॉर्मेट सेल खुल जाएगा कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ ये कंट्रोल बटन है और ये वन करते हैं तो आपको एफ वन नहीं तो आपको क्या खुल जाएगा फॉर्मेट सेल आपको खुल जाएगा स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन स्ट्रेन जवाब देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन में टाइपिंग वाले एरिया को चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षतिजिक और उर्द उर्दावाधर पैमाने प्रदर्शित करता है बताइए स्टूडेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्प्ले हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल टू शो देट एंड हाइट ऑफ द टाइपिंग एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्टवियर 2016 तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा इसका सही जवाब दीजिए यहाँ पे फटाफट यहाँ फटा, पे देखो जैसे हम टाइपिंग एरिया वर्क एरिया जिसको बोलते हैं उसका जो फैसिलिटीज प्रदान करता है दर्शाने के लिए कौन करता है रूलर बार करता है नहीं जैसे आप नहीं देखते होंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ये एरिया में तो आपको टाइपिंग नहीं होगा एरिया तो ये रूलर बार जो यहाँ से बना उसी एरिया में आपको क्या होता है दर्शाया जाता है स्टूडेंट तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या है ना क्षैतिज यहाँ पे बोल सकते हैं ठीक है क्षैतिज और पैमाने को कौन करता है रूलर बार। रूलर बार का एक और काम होता है टैब को सेटिंग करने के लिए स्टूडेंट अलाइन को सेटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है चलिए मार्जिन को सेटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है कई सारा काम है उसका ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन में है ना क्या लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या बोला है खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे लिखा हुआ यहाँ पे वीच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की वुड यू यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तो बताइए पहले पुराने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम किए हुए हैं और पुराने डॉक्यूमेंट को खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे कंट्रोल ओ से क्या होता है ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाला जो पहले से सेव है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट स्टूडेंट ठीक है अब यहाँ पे कंट्रोल पी से क्या होता है बच्चा प्रिंट होता है कंट्रोल एन से क्या होता है न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है कंट्रोल एस से क्या होता है सेव होता है ऐसे पहले से ये चीज़ें जानते होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम टैब के स्लाइड है ना समूह में मतलब स्लाइड ग्रुप में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने के लिए कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं देखो यहाँ पे कितने बॉक्स दिखाई देते हैं बहुत डेप्थ में क्वेश्चन दिया है बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑफिस पावर पॉइंट का सिक्सटीन वाला वर्जन है यहाँ पे हम खोलते हैं पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर पी ये देखो क्लिक करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए ठीक है ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव से भी करवाऊंगा ऑफिस ट्वेंटी वन से भी करवाऊंगा स्टूडेंट ठीक है पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या बोला है कि अगर होम टैब में जाते हैं लेआउट में कितने सारे ऑप्शन रहते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे नौ ऑप्शन रहता है इसका सही आंसर क्या देखो यहाँ पे जुम करके दिखाते हैं आप लोगों को देखो यहाँ पे कितना ऑप्शन है दिखाओ एक तो पहला ये हो गया आप दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा हो गया छठा सातवा ब्लैंक हो गया आठवा हो गया नौवा हो, हो गया अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं पहला का नाम क्या है टाइटल स्लाइड दूसरा का नाम टाइटल एंड कंटेंट, तीसरा का नाम है सेक्शन हैडर चौथा का नाम है टू कंटेंट, पांचवा का नाम है कॉम्पेजन और छठा का जो नाम है टाइटल वन ब्लैंक है कंटेंट विद कैप्शन है और पिक्चर विद कैप्शन है इसलिए हम पढ़ के बता दिए हो सकता है नाम दे दे बच्चे बात समझ में आ रहा है टोटल कितने होते हैं नाइन लेआउट होते हैं किसके अंदर आते हैं होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप के अंदर स्लाइड्स ग्रुप के अंदर ठीक है चलिए यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा लेआउट के अंदर होम में आपको कहाँ जाना है लेआउट ऑप्शन में ये वाला ये जो ड्रॉप डाउन जैसे एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा स्टूडेंट चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा नाइन हो जाएगा इसका सही आंसर ये होगा नाइन नंबर ठीक है नाइन नंबर बोल रहा है नाइन हो जाएगा वन नंबर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प दे मिलेंगे जिनमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है मतलब पेपर साइज भी मिलेंगे आपको पेज सेटअप करने के लिए ओरिएंटेशन भी मिलेंगे और भी अलग अलग चीज़ें मिलेंगे। तो फिलहाल तीन चीज़ें बोला है तो आपको यहाँ पे कौन सा तो ऑफिस सिक्सटीन की बात कर रहा है ऑफ़िस सिक्सटीन देखो अगर ऑफ़िस मान लो कि टेन होगा या सेवन होगा तो पेज लेआउट मिलेगा इसमें क्या होगा लेआउट मतलब क्या बोल रहे हैं पे किस टाइम में आपको सेटअप आप करने सेटअप मतलब क्या होता है लेआउट करने लेआउट पे इसमें कौन सा मेन्यू में मिल जाएगा स्टूडेंट लेआउट मेनू में कौन सा मेन्यू में मिलेगा यहाँ पे लेआउट मेन्यू में मिलेगा कौन सा मेन्यू में मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे लेआउट मेन्यू में ठीक है ना तो देखो यहाँ पे ऑफिस देखो एक तरह से समझो यहाँ पे ऑफिस का लेटेस्ट बनने वर्ड में चले वो यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या बोला है एक देखो देखो इसमें आंसर ही गलत दे दिया देखो समझाते हैं एक है पहला नंबर है फाइल मेनू है दूसरा नंबर होम मेनू है इंसर्ट है डिज़ाइन है लेआउट है रिफ्रेंस है मेलिंग है रिव्यू है व्यू है और न्यू टैब अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लेआउट में जाते हैं तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं मार्जिन चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं साइज चेंज कर सकते हैं कॉलम चेंज कर सकते हैं आप देखना ना मार्जिन चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन साइज कॉलम ये सब चेंज कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइन में जाते हैं तो डिजाइन में यहाँ पे वाटरमार्क पेज कलर पेज बॉर्डर तो ये बोला क्या है यहाँ पे बताइए तो बोला है कि यहाँ पे ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट सिक्सटीन वाला वर्जन में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज पेज ओरिएंटेशन शामिल हैं तो इसका सही आंसर होगा लेआउट ठीक है ना लेकिन ध्यान देना लेकिन अगर यहाँ पे वर्जन का अगर जिक्र जी, नहीं किया है तो उसमें पेलेआउट लेआउट मारना ठीक है ये आप क्वेश्चन आंसर शीट में लेआउट ही है लेकिन इसका सही आंसर होगा लेआउट हो जाएगा इसका सही आंसर लेआउट लेकिन अगर ऑफिस मान लो सेवन बोल देता या ऑफिस मान लो सेवन बोल देता है या ऑफिस टेन बोल देता है तो पता है क्या होता है ये पेज लेआउट हो जाता है क्लियर समझ में आ रहा है मतलब यही क्या क्या है ऑफिस के लेटेस्ट वाले वर्जन में पेज लेआउट को एगो को लेआउट बना दिया जो डिजाइनिंग का कहा था डिजाइन डिजाइनिंग बना दिया था ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट अगर पर ऑफिस 16 अगर जिक्र है या ऑफिस 16 से ऊपर वाले वर्जन का जिक्र है तो आपको लेआउट होगा और यहाँ पे ऑफिस 16 से नीचे वाले जो वर्जन रहेगा उसमें पेज लेआउट होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सब 26 नंबर क्वेश्चन क्या है एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है बताइए स्टूडेंट इज डैश इज अ स्पेसिफिक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट तो इसके लिए क्या हो जरूरत पड़ता है स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट यहाँ पे देखो ब्राउजर को चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ता है ये देखो इसका सही आंसर एम एस वर्ड के लिए जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है एबो एक्रोबेट के लिए भी जरूरत नहीं पड़ता पब्लिशर के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ता लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ता है वही लिखा हुआ है एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को है ना जिसे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इंटरनेट कनेक्ट इंटरनेट के पर्पज़ से डिजाइन किया गया तो इंटरनेट के पर्पज़ से डिजाइन किसको किया गया पहला प्रोसेस पर्पज़ तो यही है ब्राउजर को मान लो इसको अपडेट करना है लेकिन पहला पर्पज़ तो यही है ना ठीक है नेक्स्ट इंटरनेट एड्रेस के निम्नलिखित डोमेन नाम एक्सटेंशन एक्स्टें, एक्स एक्सटेंस एक्सटेंसस एक्सटेंस में कौन सा सरकारी संस्थानों को दर्शाता है देखो तो एक्सटेंशन ही होगा एक्सटेंशन लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट एड्रेस रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एंड आइडेंटिटी देखो अगर गवर्नमेंट आइडेंटिटी जैसे निकाल मतलब आइडेंटिटी होता ना तो ये जियो भी होता ठीक है ना यहाँ पे डॉट नेट मतलब क्या हुआ ये आपको डॉट नेट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि नेशनैलिटी को दर्शाता है स्टूडेंट यहाँ पे और डॉट कॉम क्या होता है कॉमर्शियल को दर्शाता है और डॉट ओ आर जी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को ओ आर जी एन ए ऑर्गेनाइजेशन ओ आर जी एन ए ऑर्गेनाइजेशन को ही दर्शाता है एक कॉमर्शियल को गया अरे गवर्नमेंट हो गया अरे नेशनल हो गया नेट बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है निम्नलिखित लिखा निम्न में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है हम बताए थे इसमें हम बार बार वीडियो में बोल रहे थे कि ये जरूर पूछेगा इस टाइप का को क्वेश्चन पूछेगा ठीक है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है चलिए जवाब दीजिए ये पूछेगा ही पूछेगा ये पूछेगा ही पूछेगा ठीक है और सभी सेटिंग में पूछेगा ध्यान दीजिएगा सभी सेटिंग में पूछेगा स्टूडेंट जवाब दीजिए तो देखो तो स्मार्ट आर्ट एक इन्फोग्राफी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट तीनों में यूज किया जाता है तो इसमें देखो लिस्ट है बाईसाइकिल है जो ना हरा के बट चार्ट नहीं होता है स्मार्ट आर्ट का पार्ट तो इसका सही आंसर क्या बोला कि कौन नहीं है नॉट वैलिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक तो यहाँ पे देखो हम समझाते हैं फिर से हम समझाएंगे हम क्या करें समझाना तो पड़ेगा ना यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलें और इंसर्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में जाते हैं और स्मार्ट आर्ट में अगर आप जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर लिस्ट है ठीक है पहला ऑल है लिस्ट है प्रोसेस है साइकिल है ठीक है ना और यहाँ पे रिलेशनशिप है मैट्रिक्स है पिरामिड है पिक्चर है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब तो एक पा चार्ट था तो चार्ट इसमें तो नहीं है तो वही बोल रहा है बताइए कौन सा स्मार्ट आर्ट का पार्ट नहीं है तो चार्ट स्मार्ट आर्ट का पार्ट नहीं है स्टूडेंट क्या समझ में आया यहाँ पे ठीक है क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे ये देखो बाई साइकिल है साइकिल हो सी वाई सी एल ई होगा ठीक है ना यहाँ साइकिल ठीक है ठीक है क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है बताइए फाइल मैनेजमेंट कैन बी डन यूजिंग डैश इन विंडोज़ एक्सपी किसके मदद से फाइल मैनेजमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट कंट्रोल पैनल विंडोज एक्सप्रोअर है ना एक्सेसरीज है ना सिस्टम सेटिंग किसके मदद से मैनेज किया जा सकता है स्टूडेंट यहाँ पर इसका सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विंडोज़ एक्सप्रोअर विंडोज एक्सप्लोर विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है विंडोज़ एक्सप्लोर ध्यान दीजिएगा ये विंडोज़ एक्सप्लोर है इंटरनेट एक्सप्लोर हम नहीं बात कर रहे हैं विंडोज एक्सप्लोर होगा इससे क्या होता है ये आप फाइल को मैनेज कर सकते हैं बस समझ में आ रहा है ना बहुत सारे फ़ाइल उसी के अंदर आपका आ जाता है नेक्स्ट होता है यहाँ पे जैसे फाइल मैनेजर मोबाइल में होता है ना उसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन से विधि मान नहीं है बताइए तो देखो वर्कशीट का अगर नाम बदलना तो आप डबल क्लिक करके भी बदल सकते हैं राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं होम मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं क्योंकि तो आपने लिखा उस आ, लिखा डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैप यू वन टू नेम हाँ कर सकते हैं यहाँ पे आ, उसके बाद क्या लिखा हुआ उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें और इसका नाम बदल नहीं सिंगल क्लिक करके नहीं बदल सकते हैं। तो सिंगल क्लिक करके नहीं बदल सकते हैं तो यही सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ क्या पूछा है कौन सा कथन ये क्या मान्य नहीं है इसका सही आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा स्टूडेंट समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है तो इस तरीके से आपको और भी अगर आपको इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए स्टूडेंट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एग्जाम तक आपका अब जारी रहेगा और आप लोग को पता है कि मॉक टेस्ट जरूर दीजिए मॉक टेस्ट देने से आपका लेवल पता चलेगा कि क्या लेवल है क्या नहीं लेवल है कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं रह पा रहे हैं और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर सारे बच्चे जुड़ जाइएगा ताकि मैं जो भी कुछ शेयर करना होगा मैं वहाँ शेयर करते रहता हूँ ठीक है और इसको जाइए इसमें बहुत सारा मॉक मॉक टेस्ट आपको कल से परसों तक बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का एकदम मतलब एकदम ऑब्जेक्ट मतलब हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट लॉन्च होने वाला है ठीक है ना ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फिफ्टीन ऑलरेडी है और भी डे टू डे आपको लॉन्च होने रहा है स्टूडेंट ठीक है ना और जाइए इंजॉय करिए मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें बहुत सारा थैंक यू और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़ इस वीडियो को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आपको कभी निराश मैं नहीं करूँगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में